बिहार में पूर्ण रूप से कागजों पर शराब बंदी कानून लागू है, लेकिन हर गांव में आसानी से शराब मिल जा रहा है। इसी क्रम में सिवान जिले के महाराजगंज में बड़े पैमाने पर महुआ, लहान व नौसादर से कच्ची शराब बनाने का कारोबार चल रहा है। इसी को लेकर महाराजगंज थाना अंतर्गत पटेरा बाजार और चंदौली लेरुआ बलाऊ और अन्य गाँव में भी पुलिस ने छापेमारी किया, वहीं जिसमें दो शराब बनाने वाले भट्टी को ध्वस्त किया गया और साथ ही पुलिस ने 5 लीटर देसी और शराब बनाने का उपकरण बरामद किया गया है। तस्वीरें देख सकते हैं कि इस प्रकार पुलिस खेत में दौड़ा कर शराब माफियाओं को पकड़ रही है और साथ ही पुलिस शराब बनाने वाले उपकरणों को नष्ट कर रही है। गौरतलब है कि राज्य में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है। पिछले एक पखवाड़े में गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण और समस्तीपुर जिले में कथित तौर पर शराब पीने से 3 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गई है। पुलिस अब इसके बाद से शराब माफिया पर नकेल कसने के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। आगे अब आपके शहर सिवान में भी विकास डिजिटल कमल जयमाला सेट। किसी भी शादी विवाह के शुभ अवसर पर बुक करने के लिए संपर्क करें विकास बाबू को, मोबाइल नंबर 7462862592।